हर एक कल मैं लिखता था, मैं छूटे हुए पन्नों को भरता था, मगर अब है बहुत सी बात, है बहुत से सवालात। अब मैं क्या लिखूं? मैं बचपन का दौड़ता साया, माँ के आंचल का दूध या पिता का सार लिखूं? कभी उनकी मार, कभी उनकी फटकार या माँ का प्यार दुलार लिखूं? वो भाई से झगड़ना, वो बहन को चिढ़ाना लिखूं? वो भाई से झगड़ना, वो बहन को चिढ़ाना लिखूं? कभी रोए छोटा भाई तो उसे खिलाना या बहन को रिझाना लिखूं? वो परिवार में दुलार, वो परिवार में दुलारा, वो राखी का धागा, वो मिठाई में भाई का साझा, वो राखी का धागा, वो मिठाई में भाई का साझा या छोटे खेल खिलौनों का भंडार लिखूं? उस छोटे दो कमरे के घर में अपना छोटा सा संसार लिखूं? वो स्कूल में बातें, दोस्तों संग रातें या वो नटखट यार लिखूं? वो स्कूल की बातें, दोस्तों संग रातें या वो नटखट यार लिखूं? उन बचपन के खेलों में मैं जीत लिखूं या हार लिखूं? ये तो हुई स्कूल तक की बातें। जब हम स्कूल में होते तो हम क्या लिखना चाहते हैं, जब हम इस कॉलेज में आ जाते हैं तो कुछ शब्द हमारे साथ और भी जुड़ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट साइट लव, प्रेमिका या कुछ दोस्त और जुड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या लिखना चाहते हैं, सुनिएगा। वो घर से बाहर जाना, वो माँ के प्यार के आंसू या दोस्तों से दूरी का एहसास लिखूं? वो मेरे छिपछिपाते आंसू या माँ पर मेरी प्यास लिखूं? वो नई जगह, वो नए लोग, वो नई जगह, वो नए लोग या नई बातों का आभास लिखूं? वो मेरी उलझन या मेरे डर का एहसास लिखूं? वो नए दोस्त, वो नई बातें या नई यादों का संसार लिखूं या पुरानी बातों की याद या माँ के दूरी की अरदास लिखूं? वो नया सा प्यार, वो नया सा एहसास। अब यहाँ पर प्यार की बात हो रही है। जब कॉलेज में जाते हैं तो सभी को प्यार जरूर होता है, ये कुछ भी समझ लीजिए आप, लेकिन एक ये डिफॉल्ट है एक इंजीनियर्स के अंदर तो पक्का। वो नया सा प्यार, वो नया सा एहसास या वो नए जज्बात लिखूं? वो यादों में उसकी याद या बातों में उसकी बात लिखूं? उसका चांदनी सा रूप, उसकी चंचल काया या नैनों का अंदाज लिखूं? उसका चांदनी सा रूप, उसकी चंचल काया या नैनों का अंदाज लिखूं? उसकी हल्की सी मुस्कान या नजाकत वाली चाल लिखूं? वो उससे एक बार मिलना, वो उससे आंखें चार करना, वो उससे एक बार मिलना, वो उससे आंखें चार करना या बातों में उससे इकरार लिखूं? वो 27 सेकंड की बात या 3 शब्दों भरा इनकार लिखूं? इन शब्दों में वास्तविकता थी वैसे। उसका इंतजार फिर उसकी याद, उसका इंतजार फिर उसकी याद या अपने प्यार का सार लिखूं? वो जरा सी उम्मीद या जिंदगी भर उसका इंतजार लिखूं? अब तू ही बता मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं? धन्यवाद।